बड़ा आश्चर्य का विषय है कि देश के 22 जगहों पर कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। जिस पार्टी का नींव तुष्टिकरण का हो और तुष्टिकरण के कारण से जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद का साथ दिया है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा जो हमने पुराने समय में भी कहा था कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ। जहां जहां आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं हिंदुस्तान में, किस प्रकार तुष्टिकरण के राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी ने वहां आतंकवादियों का और आतंकवाद का साथ और समर्थन किया है, यह सूची बहुत लंबी है। और इस सूची में अगर सर्वप्रथम किसी उदाहरण को मुझे आपके समक्ष रखना होगा तो वो कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी जिस प्रकार फूट फूट कर रो पड़ी थी बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के लाश को देखकर। स्वयं उनके मंत्री सलमान खुर्शीद ने बताया था, इसका विवरण दिया था सलमान खुर्शीद ने कि सोनिया गांधी 3 रात तक सो नहीं पाई थी और वो रोती रही थी। किस लिए रोई थी? क्योंकि आतंकवादी मारे गए थे। दुख होता है कि इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार बलिदानी मोहन चंद शर्मा जो इंस्पेक्टर रहे बाटला हाउस के समय, उनके ऊपर आघात करती है और आतंकवादियों के साथ खड़ी होती है, वो आज आतंकवाद को लेकर प्रवचन कर रही है। 26/11, आप सभी को 26/11 के विषय में याद है, मीडिया ने पूरे उस वाक्या को कवर किया था कि किस प्रकार हाथ पे हाथ धर के कांग्रेस पार्टी 26/11 अपने आंखों के सामने मुंबई में होती हुई देखते रही और कोई ठोस कदम तक उठा नहीं पाई। बाद में कांग्रेस के अंदर से ही आवाज आई कि कांग्रेस को कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए था। और तो और 26/11 में किस प्रकार पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का प्रयास, आतंकवादियों को क्लीन चिट देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया। सोनिया गांधी जी के कहने पर दिग्विजय सिंह जी ने आरएसएस की साजिश इस प्रकार एक किताब का भी लोकार्पण किया और बार बार पाकिस्तान को बचाने की यथासंभव कोशिश करते रहे। मीडिया ने यह भी दिखाया कि जब 26/11 का हमला हिंदुस्तान के ऊपर हो रहा था तब राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे एक फार्म हाउस में दिल्ली में। जो आतंकवादी गतिविधि के समय पार्टी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, वो आज 22 जगहों पर आतंकवाद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हिम्मत रखते हैं। जाकिर नायक, कांग्रेस और जाकिर नायक का तो रिश्ता आप सबको पता है। गांधी परिवार ने राजीव गांधी फाउंडेशन में 50 लाख से अधिक रुपए जाकिर नायक से बतौर डोनेशन लिया था। आतंकवादी जाकिर नायक को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने वो सारे हथकंडे अपनाए। आपको याद होगा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर इत्यादि ने चिट्ठी लिखे थे जाकिर नायक के समर्थन में कि जाकिर नायक के ऊपर किसी प्रकार का आंच नहीं आना चाहिए। वो जाकिर नायक जिसने हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक आइडियोलॉजिकल प्ले फील्ड का काम किया, जिसने लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर देश के विरोध में धर्म को लेकर एक उन्माद पैदा किया, उस आतंकवादी जाकिर नायक के साथ स्वयं सोनिया गांधी खड़ी थी क्योंकि उनके पति राजीव गांधी के नाम पे डोनेशन लिया सोनिया गांधी जी ने। इशरत जहान को कौन भूल सकता है? लश्कर ए तैयबा LET ने इशरत जहान को अपना स्लीपर सेल का एक यूनिट बताया। LET ने उसे आतंकवादी बताया, किंतु सोनिया जी के कहने पर तमाम कांग्रेस पार्टी उसे इनोसेंट, उसे बेकसूर बताती रही और भारतीय जनता के उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री और उस समय गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी के ऊपर जिस प्रकार का हमला कांग्रेस पार्टी करती थी वो हमने देखा है। उस समय इशरत जहां के सामने खड़े रहना, इशरत जहां के साथ खड़े रहना, उसके नाम पर एक एम्बुलेंस भी चलाया था, शहीद इशरत जहान एम्बुलेंस सर्विस, ये तो कांग्रेस पार्टी के कारनामे हैं। और आतंकवाद को लेकर वो 22 स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत रखती है। यासीन मलिक, कश्मीर फाइल्स के माध्यम से वो नृशंस दृश्य
जिसमें यासीन मल्लिक खुद बंदूक उठा करके बेगुनाह लोगों की हत्या करता है, और आपको याद होगा केवल हत्या ही नहीं करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के माध्यम से कहता है कि यस आई हैव किल्ड इंडियंस, मैंने हिंदुस्तानियों का अपने हाथ से खून किया है। उसके बावजूद यासीन मलिक को जिस प्रकार का पायदान यूपीए की सरकार ने दिया, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाना, महिमा मंडित करना एक आतंकवाद का, आतंकवादी का, ये हम सब ने देखा है। वो आज आतंकवाद को लेकर हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बुरहान वानी जिंदा रहे, बुरहान वानी को मारना नहीं चाहिए था। बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा था, बुरहान वानी गरीब परिवार से आता था, इस प्रकार के नरेटिव को कांग्रेस पार्टी ने फ्लोट किया था। बंधुओं, कोई तो कारण होगा जो हाफिज सईद जैसा कुख्यात आतंकवादी अगर किसी पार्टी से विश्व में प्यार करता है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी। उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदुस्तान में कुछ अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, कुछ अच्छे पत्रकार भी हैं, और कुछ अच्छे पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, कांग्रेस जैसे अच्छी पॉलिटिकल पार्टी। क्या कारण है जो आतंकवादी हाफिज सईद को कांग्रेस एक अच्छी पार्टी लगती थी? कोई तो कारण होगा ना, कोई तो साठगांठ होगा। यस, हाफिज लव्ड कांग्रेस पार्टी बिकॉज कांग्रेस प्रोटेक्टेड देम। कांग्रेस ने हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट किया, हमेशा उन्हें संरक्षण दिया। इसी कारण से आतंकवादी कांग्रेस को पसंद थे और कांग्रेस को आतंकवादी पसंद करते थे। आपको याद होगा जब याकूब मेमन की फांसी हुई थी, कांग्रेस के कई नेताओं ने उस पर किस प्रकार का माहौल बनाया था। शशि थरूर अंग्रेजी में और दिग्विजय सिंह हिंदी में चिट्ठी लिखते थे। शशि थरूर और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार का माहौल बनाया था कि याकूब मेमन को फांसी नहीं होनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने उसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का नाम दिया। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था। एक आतंकवादी जिसको तीनों लेयर ऑफ जुडिशियल सिस्टम ने, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों में फांसी होती है, जो निहत्थे हिंदुस्तानियों के मौत का जिम्मेदार था, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से खड़ी थी, स्वाभाविक रूप से यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ। और जहां तक राहुल गांधी राजकुमार का सवाल है, जिसको अरुण जेटली जी ने बिल्कुल सही कहा था, द क्लाउन प्रिंस ऑफ द कांग्रेस, राहुल गांधी जेएनयू में जाकर अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, इस प्रकार के बयानों का समर्थन करने वाले राहुल गांधी, आज उन्हें शर्म आनी चाहिए, आज उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आतंकवाद को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आतंकवाद को लेकर एक माफीनामा, एक माफी करार लिखना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने विगत इतने वर्षों तक, और खास करके जो 10 वर्ष यूपीए का शासनकाल 2004 से रहा था 14 तक, उस समय किस प्रकार उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। बंधुगण, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जहां तक आतंकवाद का सवाल है, आप याद करिए वो 10 साल यूपीए के, उस समय हर एयरपोर्ट में, हर रेलवे स्टेशन में, मेट्रो के सामने अनाउंसमेंट होती थी कि बैठने से पहले आप जांच कर ले आप कहां बैठे हैं, आप देख ले अपने सीट के नीचे कोई बम तो नहीं रखा है। उस जमाने में इस प्रकार का माहौल था कि टिफिन का डब्बा कहीं दिख जाए तो वो टिफिन का डब्बा कम और बम ज्यादा नजर आता था। उस जमाने में स्कूटर कहीं अकेली खड़ी नजर आ जाए तो मान पड़ता था कि अभी ये स्कूटर फट जाएगा। इस प्रकार का माहौल पूरे हिंदुस्तान में बनाया गया था, खुद सरकार को अनाउंसमेंट करनी पड़ती थी। 2005 में याद करिए किस प्रकार जुलाई के महीने में राम जन्मभूमि के ऊपर हमला हुआ था। दिल्ली दिवाली के समय किस प्रकार 2005 के अक्टूबर में कितने निहत्थे लोग दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट में मारे गए थे। काशी संकट मोचन अटैक मार्च 2006, फरवरी 2007 समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, सीरियल बॉम्बिंग हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर इंडियन मुजाहिदीन द्वारा। 2008 में जयपुर में बॉम्बिंग, बेंगलोर और अहमदाबाद में जुलाई में बॉम्बिंग, सितंबर में दिल्ली में बॉम्बिंग। कोई एक महीना नहीं जाता था जिसमें बम नहीं फटते थे और लोग नहीं मरते थे।
और आज हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा कंट्रोल आतंकवाद की गतिविधियों पर आया है, यह अपने आप में भारत को सुरक्षित करता है। बंधुगण, आप सभी जानते हैं कि पोटा का कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवाद से निपटने के लेके आई थी। पहला काम जो कांग्रेस की यूपीए सरकार ने किया वो निरस्त किया पोटा के कानून को, और आतंकवादियों को भी लगा 10 वर्षों में कि ये हमारी ही सरकार है, हमारी ही सरकार है, लेट्स वर्क टुगेदर। आतंकवादियों और कांग्रेसियों ने मिलकर एक साथ जिस प्रकार का माहौल पूरे हिंदुस्तान में खड़ा किया था उसका विवरण मैंने दिया है। और तो और, केवल पाकिस्तान के साथ ही नहीं, चाइना के साथ भी 2008 में एमओयू साइन करके, शी जिनपिंग जो अभी चाइनीज प्रीमियर हैं वो उस समय मौजूद थे गांधी परिवार के उस एमओयू साइन एक्ट के समय। जिस प्रकार से चोरी चुपके एक एमओयू साइन किया गया, द काउंटूर्स ऑफ द एमओयू इज स्टिल नॉट नोन, व्हाट वर द काउंटूर्स ऑफ द एमओयू। ये देश बेचने का काम आतंकवादियों के हाथ में, आतंकवाद की गतिविधियों को देश में बढ़ावा देने का काम इस गांधी परिवार ने अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए किया है। आज बोलने में कोई गुरेज नहीं है, यह गांधी परिवार अपने आप को सत्ता में आरूढ़ करने के लिए अगर आतंकवादियों के साथ भी गठबंधन करना पड़े तो उससे भी ये नहीं चूकती है। यही इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। इसलिए राहुल जी, आप जिस प्रकार के माहौल में देश को आपने आतंकवादियों के हाथ में धकेलने का काम किया, आज आप आतंकवाद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुझे लगता है आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, मुझे लगता है आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर आप और आपके परिवार ने किस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों को हिंदुस्तान में बढ़ावा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिस प्रकार से उनके ऊपर एक कायराना हमला हुआ और जिस प्रकार से उनकी असैसिनेशन हुई है, ये पूरे विश्व के लिए दुखद विषय है। वो हिंदुस्तान के लिए एक दोस्त थे, वो पूरे विश्व के लिए अच्छी कामनाएं करते थे। मुझे लगता है इस प्रकार छोटी राजनीति करके हमें एक बहुत गंभीर विषय को छोटा करना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।